गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. गुड मॉर्निंग सर. गुड आफ्टरनून. Okay, so we'll start now. Okay, can you all switch on your videos and then we will be starting. Kanika, Priyanshi, Sandhya, switch on your videos. Sandhya, Priyanshi, Kanika. Priyanshi, आपका वीडियो ऑन नहीं है अभी भी. Okay, good. Okay, so let others join. We will get started. But okay, so so one thing that we will do is we will also start the revision for science. Okay, so on Friday and Saturday we will have the science class rather than the maths class, and we will start the revision for science also. Okay, so we will have 4 maths classes and 2 science classes. Okay, the value of C for which the pair of equations Cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 will have infinitely many solutions. So three. Okay, so three are there. But इसमें जो ये C की value है. हाँ तो ये क्या आएगा यहाँ पे -1/-2, राइट? तो ये हो गया 1/2. तो इस बेसिस पे आप उसको C को 3 बोल रहे हैं, राइट? लेकिन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने के लिए ये भी तो सच होना चाहिए. यस सर. राइट, बट हाफ इज नॉट इक्वल टू, ये तो ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स. राइट, तो हमें सी की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है. वी ऑलरेडी नो कि दिस इज नेवर पॉसिबल. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सी, क्योंकि ये दोनों, ये सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं ही. दिस वी नो इज एन इनइक्वालिटी. सो हाफ इज नॉट इक्वल टू 2/3. सो फॉर no value of C will all the ratios be equal. ठीक है, तो ये possible ही नहीं है होना, इसलिए no value will be the right answer. ठीक है, so a quick answer in this could be a risky affair sometimes, but yeah, one equation of a pair of dependent linear equations is this. The second equation can be, what can be the second equation? So second equation kis basis pe nikalenge hum? What information is here jisko hum check karenge?
What is the key information available that we have to check here? Pair of dependent. Right? Dependent ka kya matlab hai? ये वर्ड तो हमने किया नहीं जब हम रिवीजन कर रहे थे, तो डिपेंडेंट का क्या मतलब होगा? सर इसका डी वाला ऑप्शन है कि सभी इक्वेशंस इक्वल होनी चाहिए। हाँ नहीं, पहले उससे पहले आप ये हमें देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना जरूरी है, राइट? तो ये डिपेंडेंट वर्ड तो हमने किया नहीं था पहले, अभी जब हम रिवाइज कर रहे थे, तो किसी को याद है कि डिपेंडेंट क्या होता है जब पहले ये चैप्टर किया होगा, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन? एक्चुअली डिपेंडेंट का मतलब है कोइंसाइडिंग, ठीक है ना? एल्जेब्राइक लैंग्वेज में हम बोलेंगे डिपेंडेंट, और कोइंसाइडिंग हम बोलेंगे ग्राफिकल लैंग्वेज में। ग्राफ में वो एक दूसरे से लाइन कोइंसाइड करती है, तब हम वर्ड कोइंसाइडिंग यूज करते हैं। जब हम एल्जेब्रिक की भाषा बोल रहे हैं, एल्जेब्रा की भाषा में, उसी को डिपेंडेंट बोलते हैं, राइट? तो कब होगा, इनमें से कौन सी इक्वेशन? डी ऑप्शन। Yes, D will be the right option. Yes, हम लेकिन हमें check तो सभी करके देखने पड़ेंगे, फिर भी D will be correct, because if we check, let's not check everything, but D को check करके देख लेते हैं। तो ये क्या है? -5/10, which is -half, okay? और ये next क्या है? +7/-14, वो भी -half है, और 2/-4 जो है वो भी -half है, तो ये सब -half है, तो obviously this is the correct answer, D is the correct answer, okay? लेकिन ये हम हर एक में चेक करेंगे, तो कोई ना कोई इसमें से इनइक्वालिटी आ जाएगी, okay? इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है कि हम ये समझें कि डिपेंडेंट का क्या मतलब है, वरना इस तरह के हमने क्वेश्चन बहुत करे हैं, कोई नई बात नहीं अदर देन दैट। So, a pair of linear equation which has a unique solution, this and this, is given by. तो कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को? किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को हम? क्या चीजें चेक करनी है हमें यहाँ, ये बताइए। सर इश्यूज। हमें यहाँ पे दो चीजें चेक करनी है, ओके? टू चेक्स, एक से काम नहीं चलेगा। क्या दो चेक्स है? चेक वन कि आंसर इट इज सेटिस्फाइड both the actually rather than it I should say both the equations are satisfied by x is equal to 2 and y is equal to -3. तो दोनों equations satisfy होनी चाहिए, एक check तो ये है, और दूसरा check क्या है कि it uniqueness, दूसरा check है uniqueness। uniqueness कब होती है? जब a1/a2 is not equal to b1/b2, ये uniqueness की condition है, right? तो ये दोनों checks करने जरूरी हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों check करने जरूरी, ठीक है? तो अब ये तो objective question अगर है, working आपको तो दिखानी नहीं है एक-एक करके, तो हम किस तरह से हम पहले फटाफट देखते हैं कि क्या eliminate कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये 1/2 है, 5/10 भी हाफ है, तो ये रेशियो इक्वल हो गई, तो ये तो ऑप्शन है ही, क्योंकि इसके यूनिक सॉल्यूशंस नहीं है, या तो इसका इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या जीरो सॉल्यूशन है, ठीक है? तो इसीलिए हमें
ऑब्वियसली इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है लेकिन वी डोंट इवन केयर अबाउट दैट. ये रेशियो मैच नहीं हुई, वी नो मैच हो गई मतलब इसके यूनिक नहीं है, तो वो तो हमने एलिमिनेट कर दिया. अब देखते हैं कोई और, राइट? व्हाट, अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है कि जो कोई ऐसी हो जिसमें या तो ये फिट ना हो, ठीक है? तो यहां जैसे करके देखते हैं, 2 + -3 = -1 विच इज फाइन, बट 4 - दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर नाउ, राइट? 4 + 9 = 13 होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए, वो हमें क्लियर दिख रहा है. तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे 2x - y, कैसे? ये तो 4 हो जाएगा, ये प्लस, तो ये तो 7 होना चाहिए, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो रेशियो भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हो नहीं सकता. वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस एज द आंसर, बट वी शुड एंश्योर दैट इट इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो 1/5 और ये क्या है, -4/-1, तो ये इक्वल नहीं है. और अब हमें क्या चेक करना है कि 2 - 3 से सेटिस्फाई होता है क्या, तो वो भी चेक करेंगे. तो 2 - -12, सो +12, -14 is 0, सॉरी, ओके, तो ये सेटिस्फाई हो गई. अब इसको देखते हैं, ये बनता है 10 + 3 - 13 = 0, ये भी सेटिस्फाई हो गई. तो D is the answer, ठीक है? तो इसमें चेक्स थोड़े ज्यादा हैं, ओके, क्वेश्चन इज सिंपल बट द चेक्स आर मेनी, ओके. Hitesh, please mute yourself. Okay. So let's move on. If x is equal to a and y is equal to b is the solution of the given equations, then the values of a and b are. So kis tarah karenge is question ko ab hum? We would add the equations. Yes. So, हमें इसमें एक ही तरीका है इसको करने का, right? What is that तरीका? कि we have to solve the equations, right? वही तरीका है. तो वो solve करना तो कोई इन equations को बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है? So वो हम equation x की value, यानी कि a की value तो आ जाएगी 3. तो 2x + = 6. ये कैसे आया हमारा 1+? See, it's a good idea कि आप एग्जाम में ये जरूर मेंशन करें कि ऑपरेशन क्या किया है. ऑपरेशन इज एडिंग द टू इक्वेशंस, राइट? सो वी गेट x इज इक्वल टू 3, एंड हाउ विल वी गेट y? y इज इक्वल टू x - 2 फ्रॉम 1, सो y इज इक्वल टू 3 - 2 = 1, ओके? तो ये हमारा आंसर आ गया, 3 and 1, so C आ गया, ठीक है? तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा ट्रिक नहीं है. अरुणा हैज ओनली ₹1 and ₹2 क्वाइंस विद हर. इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस दैट शी हैज इज 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी शी with her is 75, then the number of ₹1 and ₹2 coins are, ठीक है? ये बिल्कुल बेसिक वर्ड प्रॉब्लम है, आई मीन इससे सिंपल वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल होगा होना. तो कैसे करेंगे हम इसको? लेट x बी द नंबर ऑफ ₹1 coins, लेट y बी नंबर ऑफ ₹2 coins. Okay. So now x + y is equal to, he total kitne hai Aruna ke paas? 50 coins hai. So this gives us the first equation. And ab amount wala kaise hai? X jo hai rupee 1 hai.
तो 1 इंटू एक्स हो गया प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 75। ओके, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन इज काइंड ऑफ रियली ट्रिवियल, राइट? वी कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, राइट? सो इक्वेशन ऑपरेशंस जो होते हैं ये सबसे यूजुअली सबसे आसान तरीका होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। सर डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? हाँ, 25 एंड 25 वो मेंटल कैलकुलेशन से भी दिख रहा है, राइट? कि 25 + 25 दिस इज द आंसर, राइट? बट वी डू इट लाइक दिस, वी डायरेक्टली गेट x इज इक्वल टू 25, देन वी पुट सब्स्टिट्यूट इट हियर, वी गेट y इज इक्वल टू 25। सो एकदम सबसे सिंपल एग्जांपल है ये ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है? नाउ लेट्स डू अ मोर टिप, मतलब दैट इज नॉट द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन योर एग्जाम, इट इज फार टू सिंपल यूजली, ठीक है? तो अब नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन व्हिच यू आर लाइकली टू गेट इन योर एग्जाम, ओके? एज क्वेश्चंस, दीज आर द टिपिकल क्वेश्चंस, दीज आर वन ऑफ यू नो रियली गुड क्वेश्चंस। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, 4 इयर्स हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज, द प्रेजेंट एज इज इन ईयर ऑफ द सन एंड द फादर, पहले सन का फिर फादर का, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? हाउ डू वी अप्रोच सच क्वेश्चंस? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एस बी प्रेजेंट एज ऑफ सन, लेट एफ बी प्रेजेंट एज ऑफ फादर। पहले तो ये हमने अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, ठीक है? अब हमारे को इक्वेशंस बनानी है। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? फादर्स एज इज 6 टाइम्स सन्स एज, क्या इसको कैसे लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू 6s, ठीक है ना? तो ये हमें मिल गई हमारी पहली इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं अच्छी तरह से। 4 साल बाद, ओके, नाउ आफ्टर 4 इयर्स, इवन बिफोर वी यूज दिस रूल, वट एवर इज गिवन कि क्या हो जाएगा, इयर्स, फादर विल बी हाउ मच इयर्स ओल्ड, फादर विल बी 69, फादर विल बी 69 इयर्स ओल्ड। वाई बेटा, ऐसे तुक्का नहीं लगाओ आप, मैं ये पूछ रहा हूं, आफ्टर 4 इयर्स फादर विल बी व्हाट एज? F+4। ओके, ये जो है ये केवल 4 साल बाद, मतलब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो ये लिखना जरूरी है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। एंड सन विल बी F+4, ठीक है ना? दोनों की उस समय एज ये होगी। अब ये जो सेकेंड कंडीशन है ये इन एजेस पे लगेगी, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ओके, तो अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि फादर की एज सन से 4 गुना है, तो ये वाली एजेस है, यानी कि F+4 इज इक्वल टू 4 इंटू S+4। दिस गिव्स अस आवर सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस इज अ चाइल्ड्स प्ले, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स में सॉल्विंग इक्वेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, इट इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग द इक्वेशंस। अगर आपको वो आता है कि आप लैंग्वेज पढ़कर उसको स्टेप बाय स्टेप इक्वेशंस अपनी 2 बना लेंगे, तो उसके बाद गलती होने के चांसेस बहुत कम है। अगर हो भी जाती है तो जब आप वो वैल्यूज वापस सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर चेक करेंगे तो आप अपनी गलती खुद, ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन, राइट?
So let's just quickly solve this, right? So f is equal to 6s. So what is a good way of solving this equation is by substitution. Okay, substitution is a fairly good way here. So we will just put 6s here. So 6s plus 4 is equal to 4s plus 16. So 2s is equal to 12 and s is equal to 2s is equal to 6. Is equal to 6. Okay, so s is equal to 6. Agar s 6 hai, to father is 36. F is equal to 36. 6 into 6 from 1. ठीक है ना. तो क्वेश्चन है सन और आंसर सन और फादर 6 एंड 36 होना चाहिए. दिस इज द राइट आंसर. तो सॉल्विंग द इक्वेशन में कुछ नहीं होता है ज्यादातर. इक्वेशन बनाने का तरीका ठीक होना चाहिए और इसमें सबसे क्रिटिकल पार्ट ये है. राइट. नाउ आई जस्ट वांट टू टेक अ क्विक चेक एंड आई एम फाइंडिंग हाफ द स्टूडेंट्स हैव टर्न्ड ऑफ देयर वीडियोस. Okay, which is not okay. Beta, video on rakhiye. Don't do this. It doesn't help anyone. Nupur, Shekhar, switch on your videos. Astha, switch on your videos. शेखर, विक्रांत, अभी भी आपके वीडियोस ऑन नहीं हुए बेटा. ऑन करिए. आस्था, यू आर देयर? आस्था, आर यू देयर? शेखर, विक्रांत, आप लोग तीन लोग हैं जिनका वीडियो ऑन नहीं है. विक्रांत ने कर लिया. आस्था इज द प्रियांशी. बीच में आपका कैसे बंद हो गया? यू वर ऑन. हाँ आस्था, व्हाट्स द प्रॉब्लम? You are the only one with your video off now. Okay, I'll check again after 2-3 minutes. So switch it on. Okay, yeah. Okay, good. Okay, let's move on. So, is it true to say that the pair of equations, these two equations which are given, has a unique solution? इस तरह के हमने questions बहुत कर लिए हैं. Let's just discuss it. I'll not spend time in solving. What do we have to do? Unique ki kya condition hoti hai? A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Yes. Okay, बस इतनी ही होती है. इसमें हमें और कोई चीज की कोई चिंता नहीं करनी है. Simplest होती है unique का जो check है. Right? बस ये check करना है. अगर वो equal है तो ठीक बात है, नहीं है तो अगर इक्वल नहीं है तो आंसर करेक्ट है, वरना इट्स नॉट ट्रू. ओके, डू द इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस. इसमें क्या क्या चेक करेंगे हम? और चेक करने से पहले कुछ करना है हमें. इसमें क्या करना है? चेक करने से पहले भी कुछ करना है. इसमें इक्वल्स टू 5 है तो पहले हमें उन्हें सॉल्व करना होगा ना. हाँ, तो सबसे पहले इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है. राइट. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको 4x प्लस 3y माइनस 6 लिखना पड़ेगा. ठीक है. और इस वाले को 12x प्लस 9y
माइनस 15 लिखना पड़ेगा। एक बार ये कर दिया उसके बाद क्या करना है आपको? सर हम लास्ट सेकंड वाली इक्वेशन उसमें से कॉमन भी ले सकते हैं 3। हाँ आप ले सकते हैं, मतलब आप चाहें तो ले सकते हैं टू मेक योर कैलकुलेशन सिंपलर, राइट? ऑल्दो इट इज नॉट अ मस्ट, लेकिन अगर आप वो करेंगे तो आंसर आपको अपने सामने दिखाई देने लगेगा, राइट? इफ यू एक्चुअली टेक द 3 कॉमन एंड गेट रीड ऑफ इट, देन आंसर विल बी एविडेंट टू यू, राइट? तो बताइए, यू कैन डायरेक्टली सी इट, यू डोंट इवन हैव टू राइट द रेशियोस, राइट? वी कैन सी दे आर पैरेलल लाइंस, राइट? दे आर पैरेलल लाइंस, दे आर नॉट कोइंसिडेंट। इट इज वेरी क्लियर नाउ, क्योंकि ये 4/4 वन है, 3/3 वन है, और -6/-5 वन नहीं, तो अब वो इजी हो जाता है करना। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करेंगे तो आंसर आपका सही ही आएगा, राइट? Although वो 1/3 करके आएगा, but still the answer will be correct. Okay? Okay. Now, is the pair of equations this and this consistent? Consistent कल हमने discuss किया था, consistent में क्या check करना है हमको केवल? Consistent का मतलब क्या है? कौन सी conditions में consistent होता है? All the ratios must be equal. No. Coincident. No. Consistent is should have solution. Yeah. Okay. Whether it is unique or infinite. Should have solution. Two values possible are unique or infinite. Okay. दोनों ही केसेस में हम इसे कंसिस्टेंट कहेंगे। जब एक भी सॉल्यूशन नहीं है तभी इनकंसिस्टेंट कहते हैं, तो बस वो पता होना चाहिए। वो याद है तो फिर कंडीशंस आपको याद है, ठीक है? तो ये पेयर्स जो हैं कंसिस्टेंट हैं, या तो इनकी पहली रेशोस जो है वो मैच ही ना हो, यानी 1/ हाँ, एक चीज और इसने यहाँ पे आपको धोखा देने के लिए की है। कैन समबडी आइडेंटिफाई धोखा देने के लिए क्या कोशिश की गई है? यस सर, यहाँ पर हमें सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसमें एक्स बाद में दिया है और वाई पहले ले दिया है, ठीक है? तो ये इस तरह लिख दिया है जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स क्या गलती कर जाएंगे, वो इसको 1/6 रेशो और जल्दबाजी में 2/-3 रेशो बना लेंगे, राइट? तो ये थोड़ा धोखा देने की कोशिश की गई है हमें वो धोखा। अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो उसको रीराइट कर लीजिए, ओके? वरना ध्यान से लिखना है हमको, अगर रीराइट नहीं करना है तो, ठीक है? तो ये क्या है, 1/-3 रेशो है और दूसरी 2/6 है, ठीक है? तो वो तो इक्वल है ही नहीं ये रेशोस, ओके? तो ये रेशियो इक्वल नहीं है। तो अगर किसी ने, मतलब इन्होंने धोखा जरूर दिया है यहाँ पे, लेकिन आंसर नहीं चेंज हो रहा है, राइट? यस, तो आंसर तो वही आएगा कि ये जो है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ठीक है? ओके, तो धोखे से इसमें नुकसान नहीं हुआ, राइट? वरना ज्यादातर धोखा देते हैं तो उससे फिर नुकसान भी जरूर होता है। ओके, डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है? तो वेरी इजी, नो सॉल्यूशन आपको आता है इस क्वेश्चन में। बस एक ही ट्रिक है, वो लैंग्वेज में है। व्हाट इज द ट्रिक इन द क्वेश्चन, कैन समबडी टेल मी? कहाँ पे फंसाने की कोशिश की गई है? सर सेकंड वाले इक्वेशन में भी हमें कंफ्यूजन हो सकती है। वो भी हो सकती है। सबसे पहले ना क्वेश्चन, हाँ, होगा कि एक्स बाद में लेते हैं, ठीक है? हाँ, तो एक तो यहाँ पे फंसाने की कोशिश की गई है, एक पहले ही यहाँ पे फंसाने की कोशिश की गई है कि नो सॉल्यूशन जो है ना, वो मतलब कि इनकंसिस्टेंट इज करेक्ट। तो डबल नेगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है,
ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन कोई नहीं है, और सॉल्यूशन कब नहीं होता है, जब ए वन बाई ए टू हैज टू बी इक्वल टू बी वन बाई बी टू, बट दिस रेशियो शुड नॉट बी सेम एज सी वन बाई सी टू, तो तब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, अगर ये कंडीशन होती है तब, राइट। और यहाँ पे उल्टा लिख के फिर से धोखा देने की कोशिश की गई है। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड डू दिस वन जिसमें हमें धोखा देने की कोशिश की गई है। तो ये क्या इक्वेशन है, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये पहली रेशियो हो गई वन बाय टू, और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, माइनस टू बाय माइनस वन, राइट। यस सर। अब विच इज टू, सो हाफ इज नॉट इक्वल टू टू, बट द थर्ड रेशियो जो है वो जीरो बाय जीरो है, विच इज अ प्रॉब्लम, लेकिन वी डोंट केयर, राइट, बिकॉज जैसे ही ये हमें मिला ये कंसिस्टेंट हो गई, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो गया, हमें यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है यहाँ पे। अब ये कंसिस्टेंट है तो वी डोंट इवन हैव टू मेक दिस चेक, वरना हम ये चेक नहीं कर पाते, और हमें कौन से मेथड पे जाना पड़ता, ग्राफिकल मेथड पर जाना पड़ता, लेकिन यहां हमें जरूरत नहीं है। ओके, सो इट इज अ इजी क्वेश्चन, देयर इज नथिंग ट्रिकी एज सच। डू द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे कोइंसिडेंट पूछा है, कोइंसिडेंट होता है जब सारी रेशियो सेम होती है, ठीक है, तो केवल वही धोखा देने की कोशिश की गई है, एक्स की पोजीशन बदल दी है, राइट, उसी तरह की चीजें की गई हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, सो वी विल नॉट डू दिस क्वेश्चन, वी नो हाउ टू डू इट। ओके, मतलब आप लोग कर सकते हैं ये क्वेश्चन अगर चाहें, बट दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे क्या बात हो रही है, कंसिस्टेंट की है, जिसमें दो तरह की कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है ना, तो वो हमें करना है, उसमें कोई भी यहाँ पे कठिनाई आनी नहीं चाहिए। इज देयर वर एनी क्वेश्चन यू फील कैन बी डिफिकल्ट इन दिस? यस सर, थर्ड वाले में भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर थर्ड करके देखते हैं, राइट, तो थर्ड को पहले हम इसको माइनस ए करके इज इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, ताकि हमारे सेम उसमें आ जाए। तो ये क्या है, टू ए बाई फोर ए पहली रेशो है, दूसरी रेशो क्या है बी बाई टू बी है, और तीसरी रेशो माइनस ए बाय माइनस टू ए, ठीक है, तो ये भी वन है, ये भी सॉरी हाफ है, ये भी हाफ है, और ये भी हाफ है, ऑल द थ्री रेशोज आर सेम, मतलब कंसिस्टेंट है, बट कौन सा वाला कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट, राइट। ओके, हाँ, नाउ हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को पलट के दिया गया है। फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस वी आर गिवन दिस टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी वन, ये पूछ रहा है ये, राइट सर। इसमें तो मैं सिर्फ डायरेक्ट वो लगाना होगा ना, हमें लैम्डा मतलब हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है उसको फाइंड करना है, जैसे हमें के वगैरह है। रेशियो शुड बी इक्वल बिकॉज माइनस 14
It doesn't match the other ratios. It doesn't, right? Yes, so, sir. The last one. हाँ, तो पहले तो हम जो है ना थोड़ा so that गलती ना हो, हम इसको lambda x plus 3y plus 7 is equal to 0 लिखते हैं और इसको 2x plus 6y minus 14 is equal to 0 लिखते हैं, right? तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्पीड बहुत चाहिए आपको, ये डायरेक्ट दिख रहा है ये पॉजिटिव रेशियो है ये नेगेटिव रेशियो है, सवाल ही नहीं होता ये मैच कर जाए, राइट? फिर भी हम लिख के देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या रेशियोज हैं। ये तो मैं एकदम धीरे करने के हिसाब से कर रहा हूं, लेकिन ये आंसर एकदम क्लियर है कि ये कभी ये कंसिस्टेंट ही नहीं है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, राइट? तो अब ये वी नो इज नॉट इक्वल, सो देयर इज नो पॉइंट फाइंडिंग दिस इक्वालिटी, राइट? सो लैम्डा की वैल्यू वन होने पर भी ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, ओके? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, अंडरस्टूड? यस। एक चीज और, आई थिंक जागृति सेड variable, right? So actually lambda is not a variable, okay? Lambda is a constant, okay? यहाँ पे हमारी variables केवल x और y है, okay? तो वो हम terminology पे ध्यान देंगे, although you will never Ramza, there is noise behind you, can you mute yourself? Okay, thank you. So, जो इसमें केवल x और y variables हैं, lambda is a constant. Although you will never lose marks because of that, but it's a good idea to call it a constant. ठीक है, again the same type of question. There is nothing difficult in this, so I'll move on. Just a second. The line represented by x is equal to 7 is parallel to x-axis. True or false? X is equal to 7 will be a line like this, right? No. So it's parallel to y-axis, not x-axis. It's perpendicular to y-axis. So this is false. Okay, the objective of this question is a very simple objective. Kai baar ye confusion ho jata hai bachcho ko, right? क्योंकि वो x यहाँ दिख रहा है इज इक्वल टू समथिंग, समहाउ ये कंफ्यूजन हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स में, तो केवल उन्होंने ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि गेट योर फैक्ट राइट, ओके? जो इस द x इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस पैरेलल टू y, y इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस पैरेलल टू x, ओके? इतना ही है बस इस क्वेश्चन में, ठीक है? कल से हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे इसके कुछ, एंड देन आई थिंक you know, maybe one class or maximum two classes, right? But we will do word problems now. We will not do these problems anymore. इसके काफी अच्छे हमारी practice हो गई है, ठीक है? Oh yes, sir. Okay then. Okay, thank you then. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye.